मोहन अनाथ था। वो गांव में खेतों में मजदूरी का काम करता था। फिर अचानक गांव में सूखा पड़ने लगा, खेत सूख गए। अब मोहन को गांव में काम भी नहीं मिल रहा था। अब एक ही रास्ता है कि मैं शहर जाकर वहां पैसे कमाऊं। अगर यहां रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और इसी विचार से मोहन ने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। उसके पास ना कोई वाहन था और ना ही कोई साथी। सुबह से दोपहर हो गए। अब मोहन एक झील के पास पहुंचा। वो झील का ठंडा पानी पी रहा था, तभी उसका ध्यान एक खरगोश पर पड़ा। खरगोश दौड़ रहा था और खरगोश के पीछे सियार पड़ा था। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मोहन को खरगोश पर दया आ गई। मोहन ने जमीन से पत्थर उठाए और उस सियार पे फेंकने लगा। एक पत्थर सियार के माथे पे लगा और फिर सियार डर कर भागने लगा। खरगोश रुक गया। धन्यवाद दोस्त। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ दोस्त। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा दोस्त। वैसे तुम जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मेरे गांव में सूखा पड़ गया है और इसी कारण मैं शहर जा रहा हूँ। और तुम्हारा परिवार? मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरा भी, मेरे सारे भाई बहनों को सियारों ने खा लिया, एक मैं ही बचा हूँ। दोस्त, मेरा भी कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? अरे क्यों नहीं, मैं तो सोच ही रहा था कि काश मेरा भी कोई साथी होता जिसके साथ बातें करते करते मुझे अकेलापन महसूस ना हो। और तुम तो बहुत अच्छे हो। ये हुई ना बात, तो चलो साथ चलते हैं। मोहन और खरगोश बातें करते करते चलने लगे। वो दोनों खुश थे। ऐसे चलते चलते शाम हो गई और वो दोनों एक कुटिया के पास आ गए। दोस्त, क्या अंदर जाना सही होगा? रुको, मैं पता लगाता हूँ। खरगोश झट से कूदकर कुटिया के दरवाजे पर पहुँचा। खरगोश ने अंदर झांका। हाँ हाँ दोस्त, सब कुछ सही है। मोहन ने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पे आई। दादी माँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर जा रहा हूँ। क्या आज रात मुझे आपके घर में आश्रय मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी हम बुढ़ा बुढ़ी का कोई नहीं और ना ही कोई हमसे मिलने आता है। अंदर आ जाओ बेटा। ये मेरे पति है, अब ये चल फिर नहीं सकते। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। बेटा तुम इनसे बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मोहन बूढ़े दादाजी से बात करने लगा और दादी माँ रसोई में चाय नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद दादी माँ चाय और नाश्ता लेकर लौटी। दादी माँ ने मोहन को चाय दी और खुद भी पीने लगी। नाश्ता देखकर खरगोश आगे आया। तू भी ले, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। दादी माँ ने खरगोश को भी एक समोसा दे दिया। खरगोश बड़े चाव से समोसा खाने लगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। खरगोश को बोलता देख दादी माँ दंग रह गई। क्या ये सच में बोल सकता है? हाँ दादी माँ, मैं भी इसकी बातें सुनकर हैरान था, पर ये बहुत अच्छा है, अच्छी बातें करता है और ये भी मेरी तरह अनाथ है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ना तो तू अनाथ है और ना ही ये। तुमने मुझे दादी बोला ना, तो हम भी तो तेरा परिवार है। जी दादी। उस वक्त घर के बाहर से गाय की आवाज आने लगी। लगता है कोई जंगली जानवर आया होगा। दादी और मोहन दोनों घर के बाहर आए। इंसानों को देख सियार भाग गए। अब ये इनका रोज का है, पता नहीं ये कब तक जाएगी और इसका बछड़ा सुरक्षित रहेगा। दादी माँ, एक गौशाला बनाई जा सकती है जिसके अंदर अपनी गाय और उसका बछड़ा सुरक्षित रहेगा। वो तो है, पर इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता, गौशाला कैसे बांधूंगी? दादी माँ, मैं हूँ ना, मैं अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
दादी मोहन की ओर देखकर मुस्कुराई। फिर मोहन ने आसपास पड़े बांबू, रसिया और घास को जमाया और फिर मोहन और खरगोश मिलकर गौशाला बांधने लगे। दोस्त, यहाँ ये रस्सी बांधो। अभी आया। कुछ ही घंटों में मोहन ने सारे बंबू लगा दिए थे। बेटा, अब तो बहुत रात हो गई है, तुम लोग खाना खाकर आराम कर लो, बाकी काम कल सुबह कर लेना। ठीक है दादी माँ। मोहन और उसका खरगोश कुटिया के अंदर गए, दोनों ने खाना खाया और फिर सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, आखिर गौशाला का निर्माण कार्य पूरा हुआ। देखिए दादी माँ, अब आपकी गाय और उसका बछड़ा सुरक्षित है। वाह, ये तो बहुत अच्छी है बेटा, मैंने तो सपने में भी ऐसी गौशाला नहीं सोची थी। दादी माँ ये खुशखबरी अपने पति को सुनाने अंदर आई। ए जी, मोहन ने बहुत ही बढ़िया गौशाला बनाई है, अब हमारी गाय सुरक्षित है। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, आपको शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, दादी माँ ने हमें प्रेम और आश्रय दिया, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर एक राज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जादुई सुपारी का राज। जादुई सुपारी? मैंने घर के पीछे एक सुपारी का पेड़ लगाया है, उस पेड़ पर कई सारी सुपारी होंगी, पर उनमें से एक सुपारी से बहुत तेज रोशनी निकल रही होगी, वो सुपारी जादुई सुपारी है। उस सुपारी को हाथ में रखकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ये राज आप मुझे क्यों बता रहे हैं दादाजी? क्योंकि तुम जैसे अच्छे इंसान ही ऐसी जादुई चीजों के हकदार होते हो। अब जाओ और वो जादुई सुपारी तोड़ लाओ। मोहन कुटिया के पीछे गया तो वहाँ एक सुपारी का पेड़ था जिसपे बहुत सारी सुपारियाँ थी। इसमें से जादुई सुपारी कौन सी है? ओ देखो दोस्त, उस सुपारी से रोशनी निकल रही है। रुको, मैं अभी तोड़ता हूँ। खरगोश ने वो जादुई सुपारी तोड़ी और मोहन के हाथ में रख दी। मोहन और खरगोश कुटिया में लौट आए। ये देखिए दादाजी, हमें वो जादुई सुपारी मिल गई। बहुत अच्छा बेटा, अब इस सुपारी का बस सही उपयोग करना। हे हे, जादुई सुपारी, इस छोटी सी कुटिया को हवेली में बदल दो। वो कुटिया एक हवेली में बदल गई। धन्यवाद बेटा। शुक्रिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम इस सुपारी से दूसरों की मदद करना। ठीक है दादाजी। दादी माँ, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, पर आते रहना। जी दादी माँ। अलविदा दादाजी। दादा दादी को अलविदा कहकर मोहन और खरगोश अपने रास्ते चल पड़े। अब हम इस जादुई सुपारी का क्या करेंगे? हमें इससे दूसरों का भला करना चाहिए। तो दोस्त, चलो तुम्हारे गांव चलते हैं। हाँ। वो दोनों मोहन के गांव पहुंच गए। चारों ओर सिर्फ सूखा था, सारे खेत सूख चुके थे। मोहन ने अपनी जादुई सुपारी बाहर निकाली। हे जादुई सुपारी, इन सारे खेतों को फिर से हरा भरा कर दो। और झटपट सारे खेत हरे हो गए। किसानों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। एक बार फिर गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मोहन वापस अपने घर लौट आया। वो लोगों की मदद करने के लिए जादुई सुपारी का इस्तेमाल करता था और अब उसके पास एक साथी भी था, उसका बोलने वाला खरगोश। अरे दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। ला रहा हूँ, तुम्हारे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, वरना इंसानों के इतने स्वादिष्ट भोजन मैं कैसे खाता। अंत भला तो सब भला।